फरवरी 2021 का दिन तमाम अहले वतन और कोह पैमाइश से ताल्लुक रखने वालों के लिए खास दिन था। उस रोज केटू, जिसे बल्ती जुबान में चोगोरी कहा जाता है, को सर करने के लिए केटू विंटर एक्सपीडिशन 2020-21 की टीम बेस कैंप से रवाना हुई थी। उस टीम में आइसलैंड के जान स्नोरी, चिली के जेपी मोहर, पाकिस्तान के मोहम्मद अली सतपारा और साजिद अली सतपारा शामिल थे। टीम की रवानगी की खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर हुई। सोशल मीडिया में भी ये खबर टॉप ट्रेंड बनी रही। मंसूबे के मुताबिक टीम ने 5 फरवरी की सुबह 8611 मीटर बुलंद केटू को तस्खीर करना था। उन चारों कोह पैमाओं में से 3 दुनिया के मशहूर तरीन कोह पैमा थे। उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद मुतादित पहाड़ों को जेर कर रखा था, जबकि नौजवान और बाहिम्मत कोह पैमा साजिद अली सतपारा अपने अजीम वालिद मोहम्मद अली सतपारा का शागिर्द खास था। उसने केटू सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोह पैमा का एजाज भी अपने नाम कर रखा था। उस वक्त सबकी नजरें मोहम्मद अली सतपारा पर जमी हुई थी। बेदरपे पहाड़ों और अनगिनत चाहने वालों के दिलों को फतह करके उन्होंने कौमी हीरो का मकाम हासिल कर रखा था। उनकी महारत, फुर्ती, दिलेरी, तआवुन और हिम्मत ने कोह पैमाई की दुनिया में उन्हें वो इज्जत बख्शी थी जो कम ही लोगों के हिस्से में आती है। किसी मुहिम में उनकी शमूलियत को कामयाबी की सनद ख्याल किया जाता था। मोहम्मद अली सतपारा का ताल्लुक स्कर्दो के नवाह में वाकई खूबसूरत और मरदम खेज गाँव सतपारा से था। ये गाँव कोह पैमाओं का मस्कन कहलाता है। यहाँ के कोह पैमाओं ने कोह पैमाई के मैदान में कारहा या नुमाया सर अंजाम दिए हैं। मोहम्मद अली सतपारा यहाँ के सबसे बड़े मोहल्ले बड़ो गांव या छोगड़ों में 2 फरवरी 1976 को हाजी असद के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम सतपारा के वाहिद प्राइमरी स्कूल से हासिल की। दौरान तालबेलमी वो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी खूब हिस्सा लेते थे। 5वीं पास करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कुशमरा में दाखिला लिया। उनका शुमार स्कूल के लायक तालिब इल्मों में होता था। उन्हें खेलों से भी खास रगबत थी। वो स्कूल की फुटबॉल टीम के बेहतरीन खिलाड़ी थे। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज स्कर्दो में दाखिला लिया। उनकी शोहरत उनसे पहले ही कॉलेज में पहुंच चुकी थी, इसलिए शुरू से ही वो कॉलेज की टीम का हिस्सा बन गए। कॉलेज ने उनकी सलाहियतों से खूब फायदा उठाया और मोहम्मद अली सतपारा ने भी इलाकाई और मुल्की सतह के मुकाबलों में अपने खूब जौहर दिखाए। शहर और बैन-उल-अज़लाई सतह के मुकाबलों में उन्होंने कॉलेज की टीम की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। रावलपिंडी में मुनक़िदा फुटबॉल मुकाबले पाकिस्तान इंटर कॉलेज कम्पिटिशन में कॉलेज की टीम को फाइनल तक पहुँचाने के लिए उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। उनका शुमार सुंदुस स्पोर्ट्स क्लब के बानी अरकान में होता था। वो 1992 से 1996 तक सुंदुस फुटबॉल क्लब के कप्तान रहे। उनकी कप्तानी में टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दौरान खेल वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भरपूर मुजाहरा करते थे। तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद उनका खेल देखने जमा होती थी। वो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेलते थे। मुखालिफ टीम पे धावा बोलने का उनका अंदाज सबको शशधर कर देता था। उनके चाहने वाले आज भी उनके खेल को याद करते हैं। स्कर्दो के मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद असलम मोहम्मद अली सतपारा के बारे में कहते हैं। अली सतपारा जो है मेरे बचपन के दोस्त थे और मेरे फुटबॉल टीम के साथी भी थे। तो अल्लाह ताला ने अली सतपारा को एक खुदा सलाहियत अता की थी। कोई भी गेम, कोई भी चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं थी। मोहम्मद अली सतपारा के फुटबॉल के करियर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को वजाहत करना चाहता हूँ। अली सतपारा ने अपना फुटबॉल के बाकायदा आगाज जो है सुंदुस फुटबॉल क्लब की तरफ से की, और सुंदुस की टीम जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से स्कर्दो लेवल के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना शुरू की। और 1993 में मोहम्मद अली की बेस्ट परफॉर्मेंस और आला कारकर्दगी की वजह से अली को एज ए कैप्टन मुंतखब किया, और अली सतपारा के कैप्टनसी में सुंदुस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसी साल ही सेमीफाइनल तक रिसाई हासिल की और सुंदुस टीम इतना मशहूर हो गया था। तो 94 में ही सुंदुस टीम ने इतना परफॉर्मेंस अच्छा दिया, फाइनल तक रिसाई हासिल की। और यह सब कुछ मोहम्मद अली सतपारा की अंथक मेहनत और कोशिशों की और आला कायदा और ट्रेनिंग की वजह से सुंदुस टीम आगे निकल गए और बड़े टीमों के सब मिलाकर खड़ा कर दिया। मोहम्मद अली सतपारा ने जिंदगी के तमाम नशेब व फराज देखे। मेहनत, इस्तकलाल और बुलंद हौसला उनके मिजाज का हिस्सा था। उन्होंने हर तरह के हालात का मुकाबला दिलेरी और जिंदा दिली के साथ किया।
ایف اے کے بعد وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور روزگار کے حصول کی تگ و دو میں ناکامی کے بعد انہوں نے بطور مزدور زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ وہ روزگار کی تلاش میں کراچی گئے، وہاں سے بلوچستان کے ضلع مکران کی سنگ مرمر کی کانوں میں مزدوری کی۔ یہاں کام محنت طلب اور جان لیوا تھا، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ کئی سال پتھروں سے الجھنے کے بعد وہ اسکردو آئے اور پہاڑوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ گلگت بلتستان بلند و بالا پہاڑوں اور خوبصورت نظاروں کی سرزمین ہے۔ دنیا میں موجود 8,000 میٹر سے بلند 14 پہاڑوں میں سے 5 گلگت بلتستان میں ہیں۔ 7,000 میٹر سے بلند پہاڑوں میں سے 108 یہاں جلواگر ہیں۔ 6,000 میٹر اور اس سے کم بلند پہاڑوں کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ جن کو ابھی تک شمار نہیں کیا جا سکا۔ دنیا بھر سے مہمجو اور سیاحت کے دلدادا اس جنت نظیر خطے کا رخ کرتے ہیں۔ بلند و بالا پہاڑوں تک پہنچنے کے لیے کئی دن پرخطر راستوں پہ پیدل چلنا پڑتا ہے، اس لیے ان مہمجوؤں کو مقامی پورٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیس کیمپ تک کوہ پیماؤں کا سامان ڈھونے والے لو الٹیچیوڈ پورٹرز کہلاتے ہیں، جبکہ وہاں سے بلند مقامات تک ہائی الٹیچیوڈ پورٹرز یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ محمد علی ستپارہ کی بنیادی تربیت کوہ پیماؤں کے درمیان ہوئی۔ ان کے گاؤں کے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد کبھی نہ کبھی کوہ پیمائی کے پیشے سے منسلک رہا ہے، اس لیے معاشی امکانات کے علاوہ ان کے سامنے کامیابی اور نیک نامی کی بہت سی داستانیں بکھری ہوئی تھیں۔ 1995 سے وہ بطور لو الٹیچیوڈ پورٹر کوہ پیما ٹیموں کا حصہ بنے اور 2003 تک مسلسل اس بھٹی میں جلتے رہے اور آخر کار کندن بن گئے۔ اس طویل عرصے میں وہ اپنی آنکھوں میں کوہ پیما بننے کا خواب سجائے محو سفر رہے۔ کوہ پیمائی کے لیے مخصوص تربیتی اداروں کی عدم موجودگی کے باعث انہیں ایک طویل عرصے تک کوہ پیمائی کا ہنر سیکھنے کی جستجو کرنی پڑی، تاہم اپنے سینئر سے انہوں نے ضروری تربیت حاصل کی۔ اس لحاظ سے وہ علی رضا ستپارہ کے تعاون حوصلہ افزائی کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ 4 عشرے سے کوہ پیمائی اور ٹورسٹ گائیڈنگ سے منسلک علی حیدر ستپارہ محمد علی ستپارہ کے بارے میں کہتے ہیں، محمد علی زبردست فٹ بالر بھی تھا، والی بال بھی کھیلتے تھا۔ اس نے ہر شعبے میں، ہر کھیل میں اپنے آپ کو لوہا منوایا۔ ہم لوگ نے اس کو کیٹو پہ بھیج دیا چاچا رضا کے ساتھ، پھر اس نے ادھر اچھا کرتا رہے گا کیا، تو پھر ڈیمانڈ شروع ہو گیا۔ وہ پہلے دفعہ تو خیر کیٹو میں کیمپ 3 سے واپس آئے، وہ لوگ وہیں، ان کا مشن تھا کیمپ 3 تھا، کلین ایکسپیڈیشن کوریئن تھا۔ اس کے بعد وہ کلیننگ شروع کیا، جب بھی پہلا ہی 1-2 روڈ پہ ایک ننگا پروت کیا، پھر اس ونٹر میں اس نے پھر ننگا پروت کیا، اس کے بعد نیپال میں گیا، 8,000 پورا کرے گا انشاءاللہ، میرا مشن ہے۔ وہاں بھی اس نے 3,000 کا پیک کلیم کر کے آ گیا۔ اس کا عزم تھا کہ میں پوری دنیا میں 14 پیک ہے جو 8,000 کا، وہ پورا کر کے پاکستان کا نام روشن کرے گا، ہلال پرچم میں یہ سارے 14 پیک میں لہرائے گا۔ بدقسمتی سے سالونٹر میں ایسا حادثہ ہو گیا، ہم سب کا بدقسمتی ہے، پاکستان کا بھی، پورا بلتستان کا۔ کوہ پیمائی کے داؤ پیچ اور اسرار و رموز سے آگاہی کے بعد اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وہ موقع کی تلاش میں رہے۔ بالآخر وہ دن آیا جب کورین ایکسپیڈیشن ٹیم کے سربراہ کی نگاہ انتخاب ان پر ٹھہر گئی۔ یہ ٹیم 8,034 میٹر بلند گشبم 2 سر کرنے کا ارادہ لیے آئی تھی۔ محمد علی ستپارہ نے پہلی دفعہ ہائی الٹیچیوڈ پورٹر کے طور پر اس مہم میں حصہ لیا اور اپنے ساتھیوں سمیت اس پہاڑ کو سر کر کے اپنی بلندیوں کے سفر کا آغاز کیا۔ اس سفر کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسی سال یعنی 2006 میں ہی انہوں نے اسپنٹک بھی سر کر لی۔ 2008 میں قاتل پہاڑ کہلانے والے نانگا پربت کی بلندیوں پہ انہوں نے اپنے قدموں کے نشان ثبت کیے۔ اسی سال ہی چین میں واقع مشتقاتا کی فتح بھی ان کے حصے میں آئی۔ 2009 میں ایک دفعہ پھر نانگا پربت کی بلندی پہ پاک وطن کا سبز ہلالی پرچم لہرا کر انہوں نے دھرتی ماں سے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ 2010 میں گشبومن کے سر غرور کو قدموں تلے روننے کے بعد 2016 کے موسم سرما میں نانگا پربت کو زیر قدم لانے کے عزم سے وہ قاتل پہاڑ یعنی نانگا پربت تک پہنچے اور سرخرو رہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ نانگا پربت کو موسم سرما میں سر کرنے کا اعزاز اپنے نام کر کے محمد علی ستپارہ دنیا بھر کی کوہ پیما برادری کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ کامیابیوں کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 2017 میں
उन्होंने ब्रॉड पीक सर कर ली। 2017 में ही मौसम खिजा में नांगा पर्वत सर करने का एजाज भी अपने नाम किया। 2017 के आखिर में पोमेरी पीक को सर्दियों में सर करके उन्होंने अपने नाम का एतबार मजीद बढ़ाया। 2018 में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू को सर किया। 2019 में नेपाल के तीन पहाड़ों लोटसे मकालू और मनासलू पहाड़ों को सर करके सब्ज हिलाली परचम को सरबुलंद किया। याद रहे, पहाड़ों पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं, कदम कदम पे खतरात का सामना करना पड़ता है। हर पल मौत सर पर तलवार की तरह लटक रही होती है, कहीं नर्म बर्फ में धस जाने का खतरा होता है तो कहीं शीशे की तरह की फिसलन भरी बर्फ पे कदम जमाना बहुत दुश्वार हो जाता है। स्लाइडिंग के नतीजे में टनों बर्फ के सिरकने, बर्फानी दरारों में गिरने, तेज हवाओं और बर्फानी तूफानों के इम्कान को भी किसी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता। उस पर मुस्तजाद ये कि खून जमा देने वाली सर्दी और ऑक्सीजन की कमी इंसान के हवास का इम्तहान लेती है। बुलंदो बाला पहाड़ों की तस्खीर के लिए हिम्मत और तजर्बा दोनों ही जरूरी होते हैं। मोहम्मद अली सतपारा का शुमार उन कोह पेमाओं में होता था जो मिसाली हिम्मत और तजर्बा रखते थे। मोहम्मद अली सतपारा ने अपने पूरे करियर में पहाड़ों पे दरपेश खतरनाक हालात में अपने साथियों की खूब मदद की। उन्होंने मुतादित टीमों की पहाड़ों को फतह करने में रहनुमाई की, बहुत से कोह पेमाओं को मौत के मुंह में जाने से बचाया और बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा बने। पे दर पे कामयाबियों, तजर्बे, महारत और खुलूस ने उन्हें वो एतबार बख्शा कि उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन कोह पेमाओं में होता था। उनकी किसी मुहिमजू टीम में शमूलियत कामयाबी के इम्कान को बढ़ा देती थी। साल गुज़श्ता आइसलैंड के लेजेंडरी कोह पेमा जान स्नोरी ने केटू को तारीख में पहली दफा मौसम सरमा में सर करने का इरादा किया तो उन्होंने मोहम्मद अली सतपारा से राबता किया। यूं मौसम सरमा में केटू सर करने का अज़म लिए इन दो अजीम कोह पेमाओं ने केटू विंटर एक्सपीडिशन 2020-21 के ख्वाब को अमली शक्ल दी। बाद एजाज चिल्ली के जेपी मोहर और पाकिस्तान के साजिद अली सतपारा भी इस टीम का हिस्सा बने। तमाम तर तैयारी के बाद 4 फरवरी 2021 को जान स्नोरी, जेपी मोहर, मोहम्मद अली सतपारा और साजिद अली सतपारा पे मुश्तमिल ये टीम केटू की मुहिमजुई पे रवाना हुई। उनसे कबल नेपाली कोह पेमाओं की एक 10 रुकनी टीम केटू सर करके आलमी शोहरत हासिल कर चुकी थी और मुल्की सतह पे भी इस कामयाबी को सराहा गया था। इसलिए मोहम्मद अली सतपारा की सरकर्दगी में जब ये टीम रवाना हुई तो इस खबर को टीवी चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर किया और सोशल मीडिया पे भी ये मुहिम टॉप ट्रेंड बन गई। सुबह के मुताबिक टीम ने 5 फरवरी को केटू सर करके कैंप 3 पहुंचना था। हालात और मौसम दोनों साजगार थे। कैंप 4 से आगे बढ़ते हुए साजिद अली सतपारा के ऑक्सीजन सिलेंडर में खराबी पैदा हो गई और ऑक्सीजन की कमी के बायस उनकी तबीयत खराब होने लगी तो न चाहते हुए भी उनको वापस पलटना पड़ा। साजिद देर तक अपने वालिद मोहतरम और साथियों को बुलंदी की तरफ जाते हुए देखते रहे, फिर वो बोझल दिल के साथ कैंप 3 तक उतर आए और रात भर इंतजार की आग में जलते रहे। उन दिलसोज लम्हात की मंजरकशी साजिद अली सतपारा की बुलंद हिम्मती का सबूत है। वाकई वे एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं। इस अलमिया से मुतालिक साजिद अली सतपारा कहते हैं, जी बेसिकली हमने किमठी से जो स्टार लिया था समय पुष्प का 5 फरवरी को रात के कोई 12 बजे हम उधर से निकले थे। मैं भी ताड़ा ऑक्सीजन जा रहा था और हम बहुत से टीम्स जो दूसरे यूरोपियन क्लाइंबर्स और दूसरे जो शेरपास हमारे साथ थे कैंपोर पर पहुंचते वो सारे जो शेरपास और दूसरे जो यूरोपियन क्लाइंबर्स थे वो सारे वापस हुए तो और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ ने कहा कि हम बहुत लेट हुए हैं और कुछ ने कहा कि हमारा ऑक्सीजन का मसाइल है, हमारे पास ऑक्सीजन कम है। कैंपोर से ऊपर हम 4 रह गए, जो जेपी मोहर, जॉन स्नोरी, वालिद और मैं, और हम जा रहे थे कि उतार ऑक्सीजन की वजह से मैं बोतलने तक पहुंचते मेरी सेहत भी ख़राब हुई और एनर्जी भी लूज़ हुई। तो वालिद ने कहा कि आप ऑक्सीजन यूज़ करो, ऑक्सीजन यूज़ करके ऊपर आ जाओ, क्योंकि मेरे बैग में ऑक्सीजन मौजूद थी। तो मैंने ऑक्सीजन यूज़ करने की कोशिश की लेकिन उसका रेगुलेटर लीक हो गया और जब मैंने उनको देखा तो बोतलने पर चढ़ रहे थे ऊपर, और मैंने सोचा मैं उतार ऑक्सीजन तो चढ़ नहीं सकता हूँ तो बेहतर है कि मैं कैंप 3 पर जाऊँ और इनका इंतज़ार करूँ। जब मैं कैंप 3 पे पहुंचा तो जब समेट मैंने सोचा कि वो समेट करके थक के कैंप 3 आ जाएंगे तो मैंने उनके लिए पानी गर्म किया,
थर्मास, दो तीन थर्मास मौजूद थे किमठी पे, उन पे भर के पानी रखा और टेंट की सेटिंग्स की, जब आएंगे तो उनको जगह हो और वो आराम कर सके। रात पर अगर वो रास्ता भटक जाए ऊपर से आते वक्त, तो मैंने लाइट भी जला के रखा कि वो लाइट देख के नीचे आ जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से रात भर में जागा रहा लेकिन वो नहीं पहुँचे। तो सुबह मैंने बेस्कम से कॉन्टेक्ट किया कि वो अभी तक नहीं पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि आज मौसम भी खराब है, 6 फरवरी को विंड भी है ऊपर, अब आप तो ऊपर नहीं जा सकते और आपके पास इतना फूड भी नहीं है, आप रह सकें उधर, तो बेहतर है कि आप इधर नीचे आ जाओ, हम इधर से रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी वापस नहीं आए। पूरी कौम मोहम्मद अली सतपारा की बखैर वापसी की दुआओं में मगन हो गई। कोहपैमाई की दुनिया में पहली दफा जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद तीनों अजीम कोहपैमाओं का कोई सुराग नहीं मिला। तीनों कोहपैमाओं ने दाई अजल को लब्बे कहते कहते एक और एजाज अपने नाम किया। उन्होंने मौसम सरमा में कटोसर कर लिया था, वापसी पे वो किसी हादसे की नजर हो गए। इस बारे में साजिद सतपारा का कहना है, जब मैं उनसे नीचे आया बतुलने से कोई दिन के 11-12 बजे का टाइम था और वेदर भी ठीक था उस दिन, और अच्छी खासी धूप थी और लेकिन हल्की सी धुंध थी और हवा नहीं थी, और वो तीनों रूप सेहत और तंदुरुस्त ऊपर जा रहे थे, और उनकी टाइमिंग और जो उनकी जो एक्सपीरियंस, वो क्योंकि जाने माने क्लाइंबर्स थे दुनिया के, जो JP मोहर एक अच्छा क्लाइंबर था शैली का, और जॉन स्नोरी भी अपने मुल्क का आइसलैंड का एक अच्छा क्लाइंबर था, वालिद तो एक एक्सपर्ट था रॉक फिक्सिंग में एक्सपर्ट, दूसरे जो एक्सपीरियंस वो जिसने विंटर में क्लाइंब किया था और विंटर भी एक्सपीरियंस था। बेसिकली जो केटू की हिस्ट्री को भी अगर हम देखें तो जो 90% एक्सीडेंट्स होते हैं वो डिसेंडिंग के दौरान होते हैं, तो उन्होंने जो केटू का मोस्ट टेक्निकल पार्ट है वो तुमने उसमें, वो दोपहर को चढ़ रहे थे, तो मैं कह सकता हूँ, और दूसरे जो एक्सपर्ट क्लाइंबर भी कहते हैं कि उन्होंने केटू सबमिट किया है। लेकिन जब मैं केम्प्री पे आया था तो रात के 6-7 बजे की बात हवा चली थी तेज, मुझे लगता है कि उन्होंने सबमिट तो किया है केटू, लेकिन वापसी के दौरान जो हवा चली है उसने उसको मसला पेश आया है और वो वापस नहीं आ सके। मोहम्मद अली सतपारा पहाड़ों के आशिक थे, अपने इस आशिक को पहाड़ों ने अपनी आगोश में ले लिया। मोहम्मद अली सतपारा ने केटू को नई पहचान और तौकीर बख्शी, उन्होंने कोहपैमाई के खेल को हरदिलअजीज बना दिया। जब जब भी कोहपैमाई का तस्करा होगा मोहम्मद अली सतपारा को जरूर याद किया जाएगा। मोहम्मद अली सतपारा मरे नहीं बल्कि तारीख में अमर हो गए हैं। अभी उनके मिशन को उनका बेटा, उनके साथी और उनकी कौम जारी रखेगी इंशाल्लाह। अभी आप हमारे हफ्तावार मौजू खूबसूरत बल्तिस्तान के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के अजीम कोहपैमा और मुहिमजू मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से दस्तावेजी प्रोग्राम सुन रहे थे। तहरीर आवाज अशरफ हुसैन अशरफ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर जुलकरनैन हैदर, प्रोड्यूसर इस्माइल नगरी, निगरान आला गुलाम मोहम्मद जफर, पेशकश रेडियो पाकिस्तान स्कर्दो।